अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है फिज़िक्स का। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए बेसिकली यूज़ किया था न्यूटन रिज़ल्ट को, और न्यूटन रिज़ल्ट हमने इस फॉर्मूले के लिहाज से निकाला था, वी इज़ इक्वल टू अंडर रूट पी ओवर रो के लिहाज से हमने इसको फाइंड किया था। प्रेशर की वैल्यू लगाई थी हमने, वो थी हमारे पास 101300 डिवाइडेड बाय 1.3। आंसर राउंड अबाउट हमारा आ गया था 280 मीटर पर सेकेंड, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास जो होती है ना, वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें मैंने आपको एक असाइनमेंट टाइप मैंने दिया था कि आपने बताने कि इसमें 16% एरर किस तरह बन रहे हैं। तो एरर बेसिकली है क्या, एरर हम कहेंगे कि इतनी वैल्यू में से अगर मैं इतनी वैल्यू माइनस कर दूं, मतलब अगर मैं वी नॉट में से वी को माइनस कर दूं, तो मेरे पास आएगा 52% वैल्यू जो होगी ना, इतनी साउंड का फर्क बेसिकली आ रहा है, सॉरी स्पीड का फर्क आ रहा है डेल्टा वी। अब परसेंटेज एरर अगर मैं निकालना चाहता हूं तो उसके लिए तरीकेकार होगा, आपने एरर देखने कितना है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है इनटू परसेंटेज की बात कर रहे हैं 100, 52 डिवाइडेड बाय 332 इनटू 100, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 15.6 एंड सो ऑन, जिसे राउंड ऑफ करके हम कह देते हैं कि 16% एरर हमारे पास मौजूद है। तो ये पिछले टॉपिक में आपको इसका कहा गया था करने का, जो कि मैंने इस लेक्चर में खुद कवर करवा दिया। ओके, अब ये एरर बनने की वजह क्या थी, हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि हमारे पास जो साउंड बेसिकली मूव कर रही है वो एयर में प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूव करती है, मतलब ये हमारे पास एयर के पार्टिकल्स थे। फिर मैंने कहा था कि लेट से हम एक स्पीकर को सपोज कर लेती हैं, स्पीकर को जब प्ले किया जाएगा तो हमारे पास कंप्रेशन का रीजन बनेगा, यहां पे हमारे पास पार्टिकल्स की डेंसिटी या मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी एक रीजन में ज्यादा हो जाएगी, जिसे हमने नाम दिया था कंप्रेशन का, ये हमारे पास आ गया था कंप्रेशन। इसी से नेक्स्ट रीजन हमारे पास होगा रेयरफैक्शन, एंड ये अल्टरनेट चलते जाएंगे। तो प्रेशर में हमने कहा था कि जो प्रेशर होगा ना, वो प्रेशर वेरी करेगा पी से, पी प्लस डेल्टा पी, किस रीजन में, कंप्रेशन की बात हो रही है, क्योंकि कंप्रेस्ड होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम हमारे पास रिड्यूस हो गया था वी से वी माइनस डेल्टा वी। जबकि न्यूटन ने यहां पे एक बात कर दी थी कि जो हमारे पास यहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, या जो एनवायरनमेंट या जो गैस है या एयर है, उसमें उसने कह दिया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और यही बेसिकली उसका फॉल्ट था। हकीकत में जब आप गैस को कंप्रेस करते हैं तो जो गैस कंप्रेस्ड गैस होती है उसमें इंटरकुलियंस इतनी भर जाती हैं कि वहां पे गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली वहां पे टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से जो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट थी ना, उसको हमें करेक्ट करने की जरूरत पड़ गई थी। बेसिकली हम लोग बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन अगर हम बात करें लैप्लेस करेक्शन की, लैप्लेस साइंटिस्ट था जिसने ये बात करेक्ट की थी कि असल में यहाँ पे जो एयर है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता बल्कि चेंज हो जाता है, तो उसने बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट को चेंज किया था। कैसे स्टेटमेंट को चेंज किया था, करेक्टेड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, वी के ऊपर उसने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया था गामा। अब गामा हमारे पास क्या चीज है वो देख लेते हैं, हमारे पास जो गामा वैल्यू है ना, इसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसकी वैल्यू जो हमारे पास होती है ना गैमा की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये हमारे पास जो गैमा है ये बेसिकली है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नहीं रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। चूंकि अब ये रेशो है तो किस किस के दरमियान रेशो होगी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये पी जो है ये बात करेगा कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है और ये एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, और इसकी हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज बुक में दिए हुई हैं। बुक में आप देख सकते हैं मोनोटोमिक के लिए इसकी वैल्यू अलग है, डाइएटोमिक के लिए इसकी वैल्यू अलग है, और पॉलीएटोमिक गैसेस के लिए इसकी वैल्यू अलग है। ओके, अब यहां से हम आगे स्टेप लेते हैं। अब इसके ऊपर हम बेसिकली अप्लाई करते हैं इन वेरिएशंस को। तो पी वी गैमा जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं पी प्लस डेल्टा पी और इनटू वी माइनस डेल्टा वी, और इसकी पावर गामा ऊपर लिख दी गई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, पी प्लस डेल्टा पी, इसमें से मैं वी गैमा को कांस्टेंट निकाल लेता हूं, मतलब मैं वी को कांस्टेंट सॉरी कॉमन निकालता हूं। तो वी को जब कॉमन निकालूंगा तो ऑटोमेटिकली इस होल पावर में गैमा मौजूद है, तो वी की पावर गामा बन जाएगी और अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, बाकी डेल्टा वी ओवर वी हमारे पास पीछे बाकी रह जाएगा पी वी गैमा। अब नोट करें यहां पे हमारे पास ये वैल्यू इस वैल्यू से कट हो जाएगी, तो पीछे हमारे पास क्या रहा, पी इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी वन माइनस डेल्टा वी ओवर वी, ये हमारे पास इक्वेशन पी की बन गई। अब अगली चीज आ जाती है हमारे पास, यहाँ पे ये पावर गामा भी मौजूद है। अब देखें यहाँ पे एक वैल्यू और उसकी होल पावर गामा चल रही है, जिस तरह यूं समझ लें हमारे पास कोई भी एक वैल्यू हो वन प्लस एक्स होल पावर टू, तो हम जिस तरह अलजेब्रा में इसका फॉर्मूला लगाते हैं और पूरा फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, इसी तरह अब ये टर्म भी हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले के साथ एक्सपेंड होगी। अब एक्सपेंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बाइनोमियल मैथ के अंदर एक टर्म यूज की जाती है बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल जो हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आ जाए ना वन प्लस एक्स की पावर एन, इसको एक्सपेंड करने का तरीकेकार होता है वन प्लस एन उठा के दूसरी टर्म्स के साथ लिख दिया जाता है, दूसरी टर्म के साथ प्लस एन एन में से एक कम डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल और एक्स की पावर टू एंड प्लस सो ऑन। मतलब एक बार यहां पे नोट करें n n माइनस वन आया, दो टर्म्स दो फैक्टोरियल, इससे अगला स्टेप होगा n n माइनस वन n माइनस टू एक्स की पावर थ्री बन जाएगा और यहां पे आ जाएगा थ्री फैक्टोरियल, तो ये चीज एक्सपेंड करती जाएगी। अब देखा जाए तो हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वन माइनस डेल्टा वी ओवर वी, गामा की वैल्यू आ गई इक्वल टू वन माइनस, क्या तरीकेकार था, पावर शुरू में गामा डेल्टा वी ओवर वी। अच्छा, अब इसके आगे ये सीरीज चलनी है, हमें जरूरत पड़ेगी सो ऑन, बट हम उन तमाम वैल्यूज को निग्लेक्ट कर देंगे। निग्लेक्ट करने की रीजन हमारे पास ये है कि जो डेल्टा वी की वैल्यू है ना ये बहुत ज्यादा स्मॉलर होना शुरू हो जाएगी एट हायर पावर, जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट अगली वैल्यूज का जो रिजल्ट है वो ना होने के बराबर हो जाएगा, तो चूंकि वो यूज ही नहीं होनी इसीलिए हम उसको यहां से निग्लेक्ट कर देंगे। अब पीछे हमारे पास वन माइनस डेल्टा वी ओवर वी
गामा की वैल्यू क्या बन गई, 1 माइनस गामा डेल्टा वी ओवर वी। लेट से मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे, सॉरी इक्वेशन 2, जबकि इक्वेशन 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी इज इक्वल टू, जैसे हमने पीछे करा था ना, न्यूटन ने जिस बेसिक फॉर्मूले को लिया था, इसको हमने पिछले लेक्चर में इक्वेशन 1 का नाम दिया है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूंगा। तो अब हम कर देते हैं पुट इट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा वो देखते हैं। P वैसे ही रहा हमारे पास इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P, वैसे ही आ गया। और इस सारी टर्म की जगह क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस गामा डेल्टा V ओवर V। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, पहले वाले को दोनों के साथ, फिर दूसरे वाले को दोनों के साथ, बनेगा क्या हमारे पास, प्लस 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 पी वन पी बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस पी गामा डेल्टा वी ओवर वी, प्लस 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 और डेल्टा पी, प्लस माइनस माइनस डेल्टा पी गामा डेल्टा वी ओवर वी। अगेन हमारे पास ये जो वैल्यू है यहाँ से निगलेक्ट हो जाएगी, या हम इसको इग्नोर कर देंगे, और ये रिजल्ट यहाँ से, रिजल्ट में से ये टर्म खत्म हो जाएगी। ये पी दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये दोनों साइड से कट हो जाएगा, ये भी यहाँ से कट हो गया। अब ये माइनस वाली वैल्यू है दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, प्लस बन जाएगा गामा डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू डेल्टा पी। ओके, अब पी को जरा सेपरेट करना शुरू करते हैं हम, हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा, डेल्टा पी। अच्छा, इस सारे यूनिट को मैं उठा के ना, इस सारे यूनिट को मैं दूसरी साइड पे क्या कर देता हूं, डिवाइड, तो ये बन जाएगा इस फॉर्म में डेल्टा वी ओवर वी। तो जरा याद करें, पिछले लेक्चर में भी हमने इसको नाम दे दिया था स्ट्रेस का, और ये हमारे पास आ गया था स्ट्रेन। और स्ट्रेस टू स्ट्रेन जो हमारे पास रेशियो होती है, स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ये हम कहते हैं इलास्टिक मॉडुलस होता है, इलास्टिक मॉडुलस, जिसे हम ई से डिनोट करते आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास पी की वैल्यू आई है ना, वो ई के बराबर आ गई, और वो वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी। अच्छा, अब इस रिजल्ट को पुट करते हैं, सॉरी ये पी नहीं है, साथ में गामा चल रहा है, ये गामा। ओके, पुट कर देते हैं, पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी थी, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ई ओवर रो। तो अब हम यहां से देख लेते हैं कि जो हमारे पास v का रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा, गामा p डिवाइडेड बाय रो। ओके, तो अब इसकी वैल्यूज यहाँ पे लगाती हैं। अब हमारे पास जो गैस मानी जाती है हमारे एनवायरनमेंट की, वो डायटोमिक गैस मानी जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो उसके अंदर गैसेस की कंसंट्रेशन है वो मोलिक्यूलर फॉर्म में ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से हम उसके लिए जो गामा की वैल्यू है वो डायटोमिक वाली लेते हैं, जिसकी वैल्यू है 1.40। तो पी की वैल्यू हम लगा देते हैं 101300 पास्कल, डेंसिटी 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और गामा की वैल्यू 1.4 लगाएंगे, और इसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा। ओके, तो जो हमारे पास, अब ज़रा नोट करें ना, इसमें से अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ शॉर्ट वेव करने के लिए, तो पी अंडर रूट पी ओवर रो, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमने नेक्स्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर निकाल ली हुई है, 1.4, और ये थी हमारे पास 280, जिसकी वजह से आंसर आ जाएगा हमारे पास 331.2 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू के काफ़ी क्लोज है।
तो मतलब ये हमारे पास करेक्टेड रिजल्ट है, और इसमें बेसिकली करेक्शन की क्या गई थी कि जो हमारे पास टेम्परेचर है ना वो बेसिकली कांस्टेंट नहीं होता, और ये किसने किया था, लुपलेस ने करेक्शन की थी। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा सारा लेक्चर था, इसको आपने लॉन्ग के लिहाज से अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।